Good morning everyone, I am Arap Kansal and welcome to our channel. I am very very excited and happy to announce FPL, that is Finance Premier League, on our channel. It is inspired by IPL, no doubt. And iske andar kya kya hone wala hai and hum kis kis cheezon ke bare mein baat karne wale hain kis tarah se, to wo sab hum samajhte hain aage is video ke andar. Last tak bani rahiyega, choti video hone wali hai, aapko jo hai maza bahut aayega. Dusri baat aapki ki yaar 1400 subscribers ka mark hamara cross ho chuka hai. I am very 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 thankful for that. एंड हमारे 1K सब्सक्राइबर्स आके अचीव हुए थे 1 सितंबर को एंड 1 अक्टूबर पे आज खड़े हम 1400 सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस हो चुका है. तो अभी तक अगर ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं, आपके इसके अंदर क्या क्या होने वाला है हम समझते हैं. पहले बेसिकली इसको दो फेजेस में मैंने डिवाइड किया, लर्निंग फेज और कॉन्टेस्ट फेज. इसके अंदर आपका पहले लर्निंग फेज में क्या होने वाला है, कॉन्टेस्ट फेज के अंदर क्या होने वाला है, उसी के लिए वीडियो आपकी, तो हम वो समझते हैं. यहाँ पे चलते हैं आपके लर्निंग फेज के अंदर. लर्निंग फेज मैंने पॉइंटर्स में बना रखा है कि पूरा क्या क्या हम करने वाले हैं. पहला आपका वीकली इंटरेस्टिंग फाइनेंस बेस्ड वीडियोस. तो मैं अपने खुद की वीडियो को इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है कि मैं मतलब एग्जैजरेट कर रहा हूँ. बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स और बहुत ही क्रिस्प कॉन्टेंट के साथ ये वीडियोज़ आने वाली हैं. क्या क्या कॉन्टेंट रहेगा इनके अंदर, मतलब क्या फाइनेंस क्या नहीं, इसके अंदर हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे क्या क्या इसके अंदर रहने वाला है. दूसरी बात आपकी डेली रील्स एट इंस्टाग्राम. आपकी अरब कंसल प्लेटफॉर्म है हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर, मतलब यूजर नेम है, तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप उसको फॉलो करें. डेली रील्स का कंटेंट उसके ऊपर आएगा कि आपका कोई भी कोई स्कैम वाली स्टोरी होगी उसका भी कंटेंट यूजुअली सेम रहने वाला है, बट जो है उसके अंदर जो आपको पता है कि स्पैन उसके अंदर कम रहता है टाइम का, तो वो जो है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे तो वो आपसे ही पूछेंगे. आप नीचे जो है सजेशन दें हमें कॉमेंट बॉक्स के अंदर. तीसरा आपका रियल फाइनेंस विद एग्जाम्पल्स, इसका आपको टेस्ट मिलने वाला है. मैंने अपने चैनल के ऊपर हर जगह लिखा हुआ है, अपने चैनल के पीछे बैनर के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर, कि फाइनेंस सिंप्लीफाइड या दिस चैनल इज ऑल अबाउट फाइनेंस फॉर एवरीवन. बट अभी तक मैंने ऐसा कुछ फाइनेंस का किया नहीं है. वो अलग बात है, हम इकोनॉमिक टाइम समझाते हैं और काफ़ी आपको पसंद भी आ रही है वो सीरीज़, क्योंकि आपने बार बार स्टार्ट करने का बोला, रीस्टार्ट करने का बोला जब मैंने बंद कर दी थी बीच में, तो मुझे यही लगता है कि आपको ये उतनी अच्छी लगेगी इफ़ नॉट मोर. तो आपको जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ, मैंने अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये एग्जांपल का एग्जांपल हो गया, बट एनीवेज मैंने आपको स्टॉक मार्केट जब समझाया था एक वीडियो के अंदर तो मैंने जलेबी का एग्जांपल लिया था. तो इतने ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपके होने वाले हैं और यहाँ पर आपको समझने आ जाएंगे चीज़ें. चौथा पॉइंट आपका फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब. तो आई एम श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा यूट्यूब पर अभी तक, बट इंस्टाग्राम पर लोग हमारे नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्यों. डेली रील्स आने वाली हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब करने नीचे, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट रहेगा. आपको जो है छोटी छोटी न्यूज़ भी मिलती रहेंगी इसके ऊपर और काफ़ी जो है बताना हो कि जो वीकली वाली वीडियोज़ हैं वो किस किस दिन पर हों और किस किस टॉपिक के बारे में हो, तो वो हम डिसाइड कर लेंगे उसके ऊपर. आप मैसेज कर सकते हैं मुझे. और वीकली फाइनेंस वीडियोज़ बेसिकली आपकी 2-3 चॉइसेस हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे. इनके अंदर से किस दिन हमें ये जो है वीडियोज़ स्टार्ट करनी चाहिए तो वो आप जो है नीचे कमेंट में बता देते हैं. नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं. अब यहाँ पर क्या है कि हमारे कंटेंट क्या रहने वाला है, जो मेन फाइनेंस वीडियोस हैं प्लस जो रील्स हैं उन दोनों का सेम कंटेंट रहेगा, बट ऑब्वियसली बात है कि आपका रील्स का जो टाइम पीरियड है उसको कम होता है, तो उसमें उतने ही अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट यहाँ पर जा रहा होगा. तो पहली पॉइंट मैंने फाइनेंस स्टफ लिख दिया अगेन. तो इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नीचे कवर नहीं कर पाया, तो मैंने फर्स्ट पे लिख दी. जनरली लास्ट पे लिखते हैं बट मैंने फर्स्ट पे लिख दी. तो इसके अंदर जो एक ऑर्डिनरी बेस का कंटेंट जा रहा है, मतलब आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर फाइनेंस का, तो वैसा वैसा कुछ इसके अंदर रीजनल कंटेंट रहने वाला है, यूजुअल कंटेंट रहने वाला है. जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ चीज़ें हो गई, IPO जो नए नए आ रहे हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट की स्कीम आई है, कोई नया म्यूचुअल फंड आया है उसके, जैसे आज म्यूचुअल फंड का HDFC का एक FMO है, मतलब कि फर्स्ट मार्केट ऑर्डर. तो उस तरह से बेसिकली आपका ऐसे जो भी चीज़ें हैं वो मैं उसके ऊपर आपको अपडेट करता रहूँगा और उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको कितना इन्वेस्टमेंट किसके अंदर करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो सब फाइनेंस स्टफ वाली चीज़ के अंदर रहता है. सेकंड आपका स्टार्टअप एंड बिजनेस केस स्टडीज़, बहुत ही मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि स्टार्टअप की क्या क्या केस स्टडीज़ आपकी रही हैं. जैसे आपका पेटीएम कहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज वो 14,000 करोड़ की IPO की बात कर रहा है, तो इट इज़ द बिगेस्ट IPO इन द इंडियन मार्केट. सो ऐसी जो चीज़ें हैं स्टोरीज़, कहाँ से वो अपना स्टार्ट हुआ उन्होंने, किस किस तरह से आपके ज़ारा ब्रांड्स जो हैं, जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, वो अपनी किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, क्या क्या नई नई स्ट्रैटेजीज हैं आपकी जो बिजनेसेस यूज़ करते हैं आपको आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो वो सब जो चीज़ें हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे. थर्ड आपका इन्वेस्टमेंट और ट्रेड स्ट्रैटेजीज, बेसिकली आपका बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ट्रेड स्ट्रैटेजीज इनोवेटिव आती रहती हैं आपकी इस वर्ल्ड के अंदर, और आपको बेस्ट चीज़ यही है वही आपकी इन्फॉर्मेशन एज, कि आपके मतलब बिल्कुल आपके सामने है हर चीज़, तो आपको दो वर्ड्स लिखने गूगल के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाता है. तो जो है अगर आपको कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट कर देंगे और मैं उसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना दूंगा.
जैसा कि एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी मैंने अभी सुनी थी, मुझे नहीं पता वो न्यू है या नहीं है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। उसके ऊपर एक पूरी बुक है, मैंने बुक तो नहीं पढ़ी है बट मैंने उसकी स्ट्रेटजी समझी है, तो वो आपको मैं काफ़ी मेरे को अच्छी लगी। उसके ऊपर हो सकता है कि आपको वीडियो भी दिखे। फोर्थ आपका फ्रॉड्स एंड स्कैम्स स्टोरीज, तो मतलब ये समझाने वाली ज़्यादा जरूरत नहीं है, हर्षद मेहता का स्कैम सबको पता है। तो आपका जैसे स्कैम 1992 हुआ था, 2008 हुआ था, INFS क्राइसिस हुआ था, तो अभी आपका एवरग्रांडे का भी क्राइसिस हो गया, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे और उन पे बहुत ही एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक्स की न्यूज़ के ऊपर। हम जो इकोनॉमिक टाइम्स में बात करते हैं तो मेरे को काफ़ी सारे स्कैम्स को समझाना ही पड़ता है। एनीवेज, तो जो है हम इसको भी हम एक बार डिटेल में देख लेंगे जो भी आप स्कैम्स रिकमेंड करेंगे। फाइव और बहुत ही मतलब मेजर मेरे को चीज़ लगती है, फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल्ड होने वाला है कंपनीज़ का, जो भी आप रिकमेंड करेंगे, रिलायंस से लेकर टिस्को से लेकर इन्फोसिस से लेकर मतलब जो भी जोमेटो तक, हर कंपनी का किसी का भी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि मतलब हर बंदा अपने हिसाब से करता है, तो मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो ऐसी भी हो सकती है मैं बनाऊँ जिसके अंदर मैं आपको पॉइंटर्स बताऊँ कि मैं किस किस बेसिस पर करने वाला हूँ, तो वो आपको जो है आपको फ्यूचर के अंदर दिख रहा होगा। और अगर आपको किसी डिटेल कंपनी का, स्पेसिफिक कंपनी का चाहिए डिटेल एनालिसिस, तो उसके ऊपर आप ऑब्वियसली बात है कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपको आपसे बात करूंगा और आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो ये हमारा हो गया पूरा। अब इसके बाद कॉन्टेस्ट फेज की बात आ रही है, यार ये अभी लोडिंग पे है, ये अभी मैंने इतना डिसाइड नहीं किया है, तो ये जैसे ही डिसाइड वगैरह होता है पूरा, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो बन जाएगी इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हुए। और अभी हम लर्निंग फेज को एंजॉय करते हैं, आपके लिए बहुत सारा कॉन्टेंट आने वाला है, तो हम उसको एंजॉय करें। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं आपके रिकमेंडेशन। तो मेरा खुद ऐसा प्लान कुछ ऐसा रहता नहीं है, मैंने ये कैटेगरी ज़रूर से डिसाइड कर ली है, बट इनके अंदर क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है तो वो सब आप ही मुझे बताएंगे। तो ये सब जो हमने डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा, एंड एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। बहुत ही छोटे सब्सक्राइबर बेस से मैंने स्टार्ट किया था, एंड एक वीडियो मेरी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई थी, शायद 21 जुलाई वगैरह की कोई वीडियो थी, बहुत ही पुरानी वीडियो थी इकोनॉमिक टाइम्स वाली। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम जो है वीडियो बनाते रहें। और इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें, जो भी रील्स का कंटेंट आने वाला है वो वहीं पर आएगा। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।